सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के सफ़ीर जियांग ज़िया डोंग की मुलाकात हुई है। इसमें टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फ़रोग के इम्कानात का जायज़ा लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ सोहेल अब्बास बलोच मौजूद हैं। सोहेल, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से जो है वो अवामी जमहूरिया चीन के सफीर जो हैं उनकी मुलाकात हुई है। जाती उम्रा में मुलाकात में टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग के इम्कान का जायजा लिया गया है। जबकि चीन के सफीर जो हैं उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को दौरा चीन की दावत दी है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शुक्रिया के साथ उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन के लिए खसूसी चाइना इकोनॉमिक जोन कैम करने की पेशकश की है। चीनी सरमायाकारों के लिए मरहात और आसानियां पैदा करने के अजम का इजहार किया गया मुलाकात में। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि चीन के साथ मिलकर माशी मोजे बर्पा कर सकते हैं। पंजाब में चीनी दोस्तों का खैर मकदम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। अवाम को गुरबत से निजात दिलाने के लिए चीन की महारत से फायदा उठाएंगे। मरीम नवाज जो है उनकी जानब से मजीद ये कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेक्नोलॉजी में चीन के तामन का खैर मकदम करेंगे। और नवाज शरीफ की जानब से इस मौके पर कहा गया कि चीन की मुआवना से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाएंगे और इस तरह से पंजाब की आवाम को जो है वो सहूलतें फराहम की जाएंगी। जी ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।